चलिए देखिए स्कूल में जो कि टेस्ट हो रहा था, बहुत दूर दूर पे देखिए बच्चों को बैठाया गया है कि नकल ना मारे। और ये देखिए लंच भी हो गया, घंटी लग गई। चलो बाबू दीदी कहाँ है, वो देखिए मिथ्या बैठी है। कहाँ है दीदी? ये इधर ये दीदी दीदी ये रही, देखो ये रही दीदी हंस रही है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। सुबह के जो कि 7 बज रहे हैं और मिथ्या को हम आज स्कूल भेजेंगे। तो मिथ्या सो के उठ गई है और ब्रश व्रश कर ली है। तो मिथ्या आज स्कूल जाओगी ना? ऐसे तो रोज ही स्कूल जाती है, हम तैयार करते हैं। आज इसका मैं टिफिन भी बनाऊंगी। तो आपको बता दूं कि मिथ्या जब मेरी 4 साल की थी, तो जब मुंबई में हम रहते थे, तो उसको स्कूल का हमने पूरा आपको दिखाया था, इसको स्कूल से ले आना और छोड़ना। तो बहुत प्यारी थी, बहुत छोटी थी, अब भी बहुत प्यारी है। आज बड़ी हो गई, थोड़ी 9 साल की हो गई है। मिथ्या को पहले स्कूल भेज देंगे, फिर इसका मैं टिफिन बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पास में मिथ्या का नाम लिखा रखा, ज़्यादा दूर नहीं। तो लंच टाइम जो होता है हम उसको पहुँचा देते हैं। 9 कितने जो लंच टाइम, कितने बजे तुम्हारा लंच होता है? 10 बजे इसका लंच होता है। तो तब जाके हम टिफिन पहुंचा देंगे। सुबह ये खाती भी नहीं है, इसलिए हम बनाते भी नहीं है, गरम गरम खाना बनाते हैं और तुरंत पहुंचाते हैं, इसको भी अच्छा लगता है। तो कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि स्कूल 2 साल से बंद था, तो अभी जस्ट खुला ही है, 2-3 महीने पहले खुला है। तो इसलिए इसका हमने ड्रेस भी नहीं ले रखा है। तो ड्रेस जो कि अभी जब कंटिन्यू स्कूल जब खुल जाएगा, तब हम इसका ड्रेस लेंगे। कब कोरोना का काल ज़्यादा ही बढ़ जाए तो स्कूल बंद भी हो सकता है। तो चलो मिथ्या तुम तैयार हो, फिर मैं टिफिन। मिथ्या तैयार होने गई है, तो मैं उसका बाल उल बना देती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है, बाल बांध नहीं पाती है। और उसका बोतल का पानी उन्हें जो उसको भर के दे देती हूँ। तो चलती हूँ। देखिए मिथ्या तैयार हो गई है, इसका मैं बाल बांध रही हूँ। तो अभी जो कि बताया था मैंने कि इसका ड्रेस नहीं लिया है, तो अभी ड्रेस अभी बाद में लूँगी, जब कंटिन्यू स्कूल जब चलने लगेगा तभी, क्योंकि कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि स्कूल 2-2.5 साल से बंद ही था। तो स्कूल मिलता है मिथ्या ड्रेस तुम्हारे स्कूल में? अभी मिल रहा है स्कूल में ड्रेस मिलता है? हाँ तो दिला दीजिएगा फिर अभी। हाँ अभी देखो 10 दिन और खुल जाए, उसके बाद हाँ, क्योंकि अभी मिल नहीं रहा था, तो फिर उसका ठंड की वजह से मिलने लगेगी। स्वेटर वोटर भी बच्चों को चाहिए ना ड्रेस के साथ, तो अब मिले। चलिए तैयार हो गई जा रही इसको स्कूल छोड़ने। ऐसे पास में ही अकेले चली जाती है, कभी कभी हम लोग भी जाते हैं छोड़ने इसको। तो ये जल्दी जाती है, इसका स्कूल है ऐसे 8 बजे का, और खेलने बच्चों के साथ खेलती बहुत ज़्यादा है, इसलिए 7:30 बजे के पहले निकल जाती है। कौन सा खेल खेलती हूँ? कबड्डी? आइस मॉडल, पता नहीं ये नया गेम, मैं तो सुन रही हूँ आइस मॉडल। हाँ चलो तुम जाओ, अच्छा मैं छोड़ दूँ। जाओ ठीक है, जाओ पापा छोड़ देंगे ना। बाय बाय। रहा है? तुम्हारा स्कूल कहाँ है मिथ्या? मेरा स्कूल अभी वहाँ पर है। वहाँ पे? तो ये क्या है फिर? ये देखिए मिथ्या का स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है। मिथ्या सबसे पहले स्कूल में आती है। चलो सिरू आ जा। चलिए मिथ्या तो गई स्कूल, और मिथ्या को जो कि टिफिन में ज़्यादा पसंद है पपीते की सब्जी। तो हमारे यहाँ जो कि पपीता का पेड़ लगा हुआ है बहुत सारा, उसमें पपीता भी फड़ा हुआ है। तो चलते पपीता को तोड़ते हैं। ये देखिए हमारे घर के पीछे का पपीता है, आंधी आई थी तो देखिए पेड़ जो कि लटक गया था। तो इसमें जो कि बहुत बड़े बड़े पपीते हैं सब्जी बनाने लायक, और बाकी जो हैं अभी वो छोटे ही हैं। तो इसी में से पपीता तोड़ूंगी बड़ा। पपीता जो है कि आँखों के लिए और पेटों के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसकी सब्जी और कच्चा भी खा सकते हैं। और ये वाला देखिए बड़ा दिख रहा है, यही तोड़ूंगी मैं। इसमें देखिए दूध भी निकलने लगता है, अगर थोड़ा सा भी नुकीला धंसता है कुछ भी तो। आउच, डर लगता है कहीं अपने ऊपर ही ना गिर जाए, कहाँ गया। देखिए काफी बड़ा पपीता है, एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट, एकदम देखिए। चलिए एक तोड़ लिया है, एक और भी तोड़ूंगी छोटा सा, क्योंकि सभी लोगों को मेरे घर में पपीता की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा बढ़ा के ही बनाऊंगी।
मुक्तिया की दादा यानी पापा मम्मी को बहुत पसंद है पपीते की सब्जी, तो कहाँ से तोड़ूं? कैसे चिल्लाते हैं? ये देखिए इतना बड़ा बड़ा एकदम एकदम मन लायक पपीता है, तो दिल खुश हो जाएगा इसकी सब्जी एकदम। चलिए खेत से ताज़ा मिर्चा भी ले लेते हैं। अभी ऐसा ही कल टूटा ही था, मिर्चा तोड़ी थी, उसको देख के तोड़ लेते जिसमें है। देखिए इसमें है मिर्च, अभी टूटा ही था कल, तो इसमें ज़्यादा नहीं है। ये जो मिर्च हमारी है बहुत कम तीखी है, इसलिए मिर्चा इसको ऐसे ही खाती है, इसको बहुत अच्छा लगता है। नीचे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे एक और, चलिए यहाँ पे देखिए पपीते की सब्जी में पालक भी डालूंगी। पालक डालने से जो कि पपीते की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये सब चीज़ें जो कि बहुत ही फायदेमंद है। दरअसल क्या होता है, मेरी मित्या पहले चाउमीन और ये सब तला भुना खाती थी, जो कि बहुत नुकसान करता है बच्चों को। टिफिन में ये चीज़ नहीं देना चाहिए, मैदे का और ये सब मैगी जो होता है सब लीवर और आँख में बहुत दिक्कत कर देता है, और बच्चों को भूख भी नहीं लगने देता है। तो जब से हम लोग गाँव में आए तब से मैं उसको हरी साग सब्जी बना के देती हूँ, और उसका सेहत भी ठीक रहता है। तो इसीलिए देखिए इसमें मैं पालक भी डालूंगी। ये देखिए पालक के बीच बीच में कहीं कहीं सोया भी है, तो इसकी जो खुशबू होती है बहुत अच्छी आती है। अगर आप दाल में भी डालेंगे पालक और ये सोया तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसका खुशबू जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, जो इसकी महक होती है बहुत अच्छी आती है। चलिए पालक के पत्तों को देखिए मैंने छाट लिया है, अब पपीते का काट लेती हूँ। पहले मैं इसको देखिए इस तरीके से काटूंगी, इसमें बहुत सारा बीज है। का छिलका देखिए छील लेते हैं छिलनी से। फिर जो सब्जियाँ छाट उठ ली है मैंने छील दिया है, उसको मैं पानी से देखिए साफ धो लूँगी, नल के पानी से ही धो लेती हूँ। फिर सब्जियों को मैंने धो लिया है, अब इनको मैं काट लूँगी बारीक एकदम। पपीते को तो बारीक काटूँगी कि पकेगा, इसका मुझे भुजिया बनाना है। इस तरीके देखिए काट लेंगे, पपीते को काट लिया है, आलू को भी काट लिया है, हमने हरी मिर्च भी देखी अपने हिसाब से काटा है, और पालक को इस तरीके से बारीक काटेंगे। मैं देखिए ईंधन को जला रहे हैं, अब सब्जी बनाएंगे इसे भी। तो चूल्हे में ईंधन को सबसे पहले जलाते हैं। चूल्हे में देखिए ईंधन को जलाया है, इसके ऊपर रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई को रख देते हैं। चलिए कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में जो सब्जी बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है। तेल देखिए गर्म हो गया, इसमें डालेंगे पचफोरन। पचफोरन का तड़का जब भी लगाते हैं तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। पपीते के साथ जो पचफोरन का तड़का लगाते हैं हम, उसमें सब्जी जो बहुत अच्छी बनती है। मेरी बेटी को प्याज लहसुन नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ काट कर, क्योंकि जो बच्चों को पसंद होता है माँ वही बनाती है कि बच्चे खा सके। इसमें भी कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, ज़्यादा तीखा भी मेरी बेटी नहीं खाती है, इसलिए नॉर्मली खाना हम बनाएंगे। हरी मिर्च को हल्का सा देखिए भून लिया है, लाल कर लिया है, और इसमें कटे हुए आलू को डालेंगे। आलू को थोड़ा सा भून लेंगे, आलू को देखिए भून लिया है हल्का सा। अब इसमें देखिए पपीते को डाल देंगे कटे हुए, पपीते को भी भूनेंगे थोड़ी देर तक आलू के साथ। जितना ही हम पपीता को भूनेंगे उतना ही सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो पपीता को हम भून लेते हैं थोड़ी देर तक। पपीते को देखिए भून लिया हमने अच्छे तरीके से एकदम लाल होने तक। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल लेते हैं, एक चम्मच डाला मैंने। इसमें नमक डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार, नमक डालेंगे क्योंकि पपीता पानी छोड़ता है, तो नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से चला देते हैं, नमक और हल्दी को मिला लेते हैं पपीते के साथ। अब
ये देखिए छोटा बाबू मेरा स्कूल नहीं जाता है, नमस्ते कर दो इधर। हाय हाय, नमस्ते नमस्ते। अभी अगले साल से इनको भेजूंगी, बहुत बदमाशी करता है। मैं बड़ा बन जाऊंगा तो स्कूल जाऊंगा। हाँ, बड़ा बनेगा तो स्कूल जाएगा। अभी अभी बहुत छोटा है, बहुत पसंद करता है। ये देखिए मैंने इसको मिला दिया है नमक और हल्दी को, साथ में देखिए पालक को भी डाल दूंगी साथ में। पालक डाल दिया है, अब इसको देखिए चला देती हूँ पालक को। ये पालक भी पानी छोड़ता है, इसको धीमी आंच पर पकाऊंगी, इसका मैं भुजिया बनाऊंगी। पपीते की सब्जी और पालक के साथ जो है भुजिया बनेगा तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी खाना मैं बनाऊंगी दाल चावल भी। तो सब्जी रोटी पहले टिफिन तैयार कर लेते मिलते हैं, उसके बाकी बनाती हूँ खाना। और बाकी इसको देखिए मैंने अच्छे चला दिया है पालक को भी। अब पालक और पपीता जो कि पानी छोड़ेगा और धीमी आंच पर अब सब्जी को मैं पकाऊंगी। चलिए इसको पकने देती हूँ धीमी आंच पर। चलिए जब तक सब्जी पकता है इधर आटा सान लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है, पैथन निकाल लेती हूँ और ये आटा सान के तैयार कर लेती हूँ। क्या कर रहे हो, आटा सानोगे? दीदी का टिफिन देने जाओगे ना? बूम बना रहे हो? बूम बूम बनाते हो? इसका बूम नहीं बनता बाबू, आप हमेशा बूम बूम कितना बूम खेलोगे आप। सब्जी मेरी जो कि आधा ज्यादा पक चुकी है, उसमें डालेंगे धनिया पाउडर, आखिरी में डालते हैं हम थोड़ा। आप अपने हिसाब से इसमें मनपसंद मसाले डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, क्योंकि मैं तो अपनी बेटी के पसंद से खाना बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये सब नहीं डाला है। तो इसको एकदम सिंपल मैंने खाना बनाया जो वो खाती है, उसको मिला देती हूँ उसी तरीके से। इसको 2-3 मिनट तक और पकाऊंगी बस। चलिए 2-3 मिनट हो गया है और सब्जी भी देखिए मैं अच्छे तरीके से पक गई है। देखिए पपीता भी देखिए एकदम गल गया है, आपको ऊपर ही दिखा दे रही हूँ। इसको उतार देती हूँ चूल्हे पे से, इस पर रखूंगी तवा। चूल्हे पे देखिए तवा रख दिया, गरम हो रहा है। अब इधर देखिए उसका पराठा बना देते हैं 2 ठो देसी घी का। ये हमारे घर का घी मैंने बनाया है मलाई से। इससे देखिए इसको हम हल्का पहले बेल लेते हैं, पूरा नहीं बेलेंगे, आधा ही बेलेंगे। इस पर देखिए अंदर से देसी घी लगा देते हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसको इस तरीके से फिर फोल्ड कर देते हैं और इसको बेलेंगे पैथन लगा के। देखिए हल्के हाथों से इसको बेल देते हैं। अब देखिए इसको मैं तवे पर रख दूंगी, अब धीमी आंच पे इसको पकाऊंगी। ऐसे वो टिफिन बॉक्स में 2 ही पराठा खाती हूँ, तो एक मैंने बना दिया है, एक और बना देती हूँ। और बाकी लोग रोटी खाते हैं तो उनके लिए रोटी बनाऊंगी बाद में। इसको देखिए लाल हो गया, पलट देती हूँ। चलिए अब घी लगा देते हैं पराठे पे। ऐसे पीछे भी लगा देंगे। इस तरीके सिझा देते दोनों तरफ से, पका लेते हैं। बाबू टिफिन देने चलेंगे ना हम नित्या को? पराठा देखिए पक गया, इसको चूल्हे पे से उतार लेती हूँ। ऐसी और पराठा बना लेती हूँ एक और। चलिए अब टिफिन पैक करते हैं, उसका पराठा और सब्जी बन गया। बाकी खाना मैं भी टिफिन देने के बाद बनाऊंगी, दाल चावल रोटी। तब तक टिफिन पैक कर देते हैं। सब्जी जो मेरी बहुत सिंपल बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। पपीता सब्जी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और बाकी घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है पालक के साथ। पालक पहले से वो खाती नहीं थी, लेकिन मैंने पपीते से जब बनाना शुरू कर दिया तो उसको बहुत अच्छी सब्जी लगी, तो फिर खाने लगी। तो टिफिन में मैं अपने घर का ही सब्जी सब देती हूँ, भिंडी कभी कभी, कुंदरू कभी, पपीते की सब्जी जो हमारे खेत में लगी रहती है वही देती हूँ उसको, ताज़ी सब्जी खेत की। उसका देखिए मैंने पराठा पैक कर दे दो, बहुत ज़्यादा वो खाती भी नहीं है। उसका पराठा हो गया। चलिए टिफिन बन गया, चलते हैं देने उसको। और 10 भी बज गया है। चलो दीदी का 10 बजे लंच इतना हो गया होगा, जल्दी चलो फट से। मित्या का टिफिन लेके देखिए स्कूल में आ गए इसके। तो अभी जो कि ठंड का मौसम चल रहा है तो टीचर क्या करते हैं बाहर ही पढ़ाते हैं। और खेलने के लिए बहुत अच्छा मैदान भी है, बहुत बढ़िया स्कूल है इसका, बहुत अच्छा स्कूल है। मतलब
कहने का बाबू देखिए मैं डरा रहा है। चलो बाबू टिफिन देते हैं, रफिंग करने के बाद तो चलिए देखिए स्कूल में जो कि टेस्ट हो रहा था बहुत दूर दूर पे देखिए बच्चों को बैठाया गया है कि नकल ना मारे। और ये देखिए लंच भी हो गया, घंटी लग गई। चलो बाबू दीदी कहाँ है, वो देखिए मिथ्या बैठी है, कहाँ है दीदी? ये इधर, ये दीदी देखो, ये रही देखो, ये रही दीदी हंस रही है। तो बाबू टिफिन पूरा कर लीजिएगा, टेस्ट चल रहा है मिथ्या, क्या हुआ आप देखो। आओ मेरे घर ये कह रहा, आओ मेरे घर, तुम्हारा घर है किसका भी घर है, आएगी छुट्टी जाएगा तब। चलो मिथ्या ठीक है, बाय पढ़ो, ठीक है बाय बाय। चलो चले टॉफी मिला है, अच्छा अच्छा। हाँ कल मिथ्या गिफ्ट पैक कर रही थी उसके लिए, तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारी दोस्त, दोस्त कहाँ है? गई तो जाने दो, शर्मा रही है, क्लास में गई, जा पढ़ो, टिफिन कर लेना अच्छे से। चलिए चलिए दोस्तों अपना वीडियो यहीं पे खत्म करूंगी, क्योंकि मिथ्या का टिफिन से लेके और मिथ्या को तैयार करने का आपको दिखाया। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, बाय बाय।